जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। यहां के डोडा जिले के एक जंगली क्षेत्र में सोमवार देर रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। एक अन्य सैन्य अधिकारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात करीब 7:45 बजे देसावन क्षेत्र के धारी कोटे उर्बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की और सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। लगातार 20 मिनट से अधिक समय तक गोलीबारी होती रही। इस दौरान सेना के 5 जवानों को गोली लग गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 को आधी रात मृत घोषित कर दिया गया। एक अधिकारी और एक पुलिसकर्मी भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सेना ने कहा कि अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में भेजा गया है और अंतिम जानकारी आने तक अभियान जारी है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।